हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के ज्वाइनिंग से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं बेल्टॉन के ऑफिशियल साइट से जहाँ से हम लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गूगल क्रोम खोलते हैं और यहाँ से हम लोग बेल्टॉन गूगल में सर्च करते हैं। और इस तरह से आप गूगल में बेल्टॉन को सर्च कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको डेस्कटॉप साइट में इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। और आप जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नोटिस एंड सर्कुलर में पहला जो नोटिस आ रहा है, अपडेटेड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अनडिप्लॉयड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से एक फाइल डाउनलोड होगी जो कि इस तरह है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्टॉन यानी बेल्टॉन, और प्रतिनियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो CBT एग्ज़ाम में जितने सारे उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे जो अपना KYC वगैरह करवा चुके थे, तो उनके ज्वाइनिंग से संबंधित यह अपडेट आया है। देखिए इसका पत्रांक संख्या यह है और इसका डेट 7/12/2020 को यह पब्लिश हुआ है, यानी आज ही पब्लिश हुआ है यह लेटर। इसमें 6 बिंदु पे चर्चा किया गया है जो कि आप लेटर में देख पा रहे होंगे। CBT परीक्षा उत्तीर्ण अनडिप्लॉयड अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति उनके पंजीयन वर्ष और पंजीयन संख्या के वरीयता के आधार पर बिहार सरकार के 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए की जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा बिहार सरकार का जो सर्कुलर है बहाली संबंधित आरक्षण रोस्टर को फॉलो करते हुए, उसके आधार पर यह बहाली प्रक्रिया जल्द ही चालू की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों द्वारा KYC करने के क्रम में विकल्प दिए गए जिलों के आधार पर यथासंभव उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का KYC कर रहे थे तो उस समय आपको 5 जिला चॉइस के रूप में मांगा गया था। तो उसमें जो आप जिला जिस पोजीशन पे दिए होइएगा उसी के आधार पे आपका ज्वाइनिंग होगा। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना पहला चॉइस पूर्वी चंपारण में दिया हूँगा, अगर वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी है तो मेरा पहले पूर्वी चंपारण ज़िला में होगा। अगर वहाँ पे नहीं होने के बाद ही सेकेंड प्रायोरिटी वाले ज़िला पर विचार किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि अभ्यर्थियों द्वारा 3 बार ऑफर लेटर अस्वीकृत किया जाता है तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा। अगर आपको 3 बार ऑफर लेटर निकाला गया, वहाँ से बेल्टॉन से इशू किया गया, फिर भी आप उसको ऑफर लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो पंजीयन क्रम है आपके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रमांक पर आपको सबसे लास्ट में जो है कि आपको मौका दिया जाएगा, सबसे लास्ट में आपके सीरियल नंबर को डाल दिया जाएगा। अगर आप 3 बार वहाँ से ऑफर लेटर निकलता है आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करते हैं इस केस में। चौथा है, यदि अभ्यर्थियों द्वारा ऑफर लेटर स्वीकृत किया जाता है एवं उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यालय विभाग संस्थान में योगदान समर्पित नहीं किया जाता है तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन के वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा। अगर आपको ऑफर लेटर मेल्टाउन इशू कर दिया, आप जहाँ पे आपको योगदान करना है जिस भी विभाग में, उस विभाग में अगर आप योगदान नहीं कीजिएगा तब भी आपका पंजीयन का जो क्रम है वह एक आपके जो रजिस्ट्रेशन का जो ईयर है उसके सबसे लास्ट में आपके पंजीयन को रख दिया जाएगा। BSEDC के ERP सिस्टम में
यानी बेल्टॉन के ईआरपी सिस्टम में विभागों कार्यालयों संस्थानों के द्वारा अधियाचना अपलोड करने हेतु 27/11/2000 को लिंक उपलब्ध करा दी गई है। यानी बिहार सरकार के जितने सारे विभाग कार्यालय संस्थान हैं उनका जो भी रिक्वायरमेंट था डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड, उसको उससे संबंधित लेटर अपलोड करने की तिथि 27/11/2020 को उसका लिंक उपलब्ध करा दिया गया था। विभाग कार्यालयों और संस्थान के द्वारा अपलोडेड अधियाचना के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो यह जो वहाँ से जितना सारा रिक्वायरमेंट जिस भी विभाग से आता है और उसी अनुरोध के आधार पे आपका ज्वाइनिंग होगा। तो यही था बेल्टॉन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट।